हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक था ये टर्म दिया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा, या ई हेकल, इन्होंने ही टर्म प्लास्टिक को सबसे पहले दिया था। जो प्लास्टिक हमारा होता है, ये प्लास्टिक जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, यानी जो इनकी बॉडी होगी, इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा, डबल लेयर होगा, यानी दो लेयर से बना होगा। इसके साथ ही साथ ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, यानी ये सेल्फ रेगुलेशन पावर या दूसरे पार्ट्स के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये जब भी होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। जो हमारे प्लास्टिड है इन्हें हम लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल कहते हैं, यानी जो प्लास्टिड है ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल में इनसे ज्यादा लार्ज फिर दूसरा कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है, यानी ये सबसे बड़े ऑर्गेनल्स माने जाते हैं किसी भी प्लांट सेल के केस में। अब जो हमारे प्लास्टिड है सिंपसन नाम साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था क्या, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, और इन्होंने प्लास्टिक को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, यानी जो प्लास्टिड थे हमारे उन्हें पिगमेंट के बेस पर क्या किया, तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब वो तीन टाइप्स कौन है उसको देखो। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से क्या किया इन्होंने, तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया किसको, प्लास्टिक्स को। अब अगर हम प्लास्टिक में बात करें कि जो हमारे तीनों प्लास्टिक है उनका नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है यह नेचर में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे प्लास्टिड है इनमें पिगमेंट कलर होता कैसा होता है, कलर ऑफ पिगमेंट, तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जबकि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है ये रेड या ऑरेंज या आप कह सकते हैं येलो कलर के, या येलो कलर के होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की तो ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्टोर करना होता है। किन चीजों को स्टोर करना होता है, तो स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनको ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं।
अगर अब तीसरी चीज अकरेंस क्या है, अकरेंस क्या है, जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है ये मेनली पाए जाते हैं कहां, लीव्स, मेनली लीव्स पर पाए जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए क्रोमोप्लास्ट की तो ये मेनली कहां पाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर। जबकि अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की तो ये मेनली कहां होंगे, स्टोरेज ऑर्गन, लाइक रूट एंड सीड, इनमें ये पाए जाएंगे। या कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें ये क्या होते हैं, यंग लीफ में भी पाए जाते हैं। अब अगर बात किया जाए सिग्निफिकेंस क्या है इनका, कि इनसे लाभ क्या है, सिग्निफिकेंस, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है, ये होता है एक्टिव साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जबकि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्यों, क्योंकि ये कलर करते हैं, तो अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, जिससे क्या हो सके, पॉलिनेशन सिंपली हो सके। दूसरी चीज होते हैं ये क्या, सोर्स ऑफ विटामिन, ये विटामिन के भी सोर्स माने जाते हैं। और जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसके साथ ही साथ और क्या, ऑयल एंड प्रोटीन, ऑयल एंड प्रोटीन इसके सेंसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ पिगमेंट, जो क्या क्या था सिंपल ने दिया था। अब हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ना है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट का ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है उनकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। तो जैसा कि आप पहले ही लिख तोड़ किए हैं कि क्लोरोप्लास्ट हमारे क्या है, बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डबल लेयर्ड होगा, यानी दो लेयर होंगे, एक हमारा होगा आउटर लेयर, आउटर लेयर या एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, दूसरा होगा हमारा इंटरनल मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होगा ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, जो इंटरनल मेम्ब्रेन होगा वो होगा इनर साइड, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा ये कहलाएगा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें कुछ चीजें कॉमनली होती हैं, जैसे सिक्के क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं क्या, हमारे ग्रेनम, जो क्या होते हैं वन बाय वन अरेंज्ड होते हैं, और ये जो हमारे ग्रेनम होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। जो ग्रेनम होते हैं ये हमारा हो गया ग्रेनम, आर ग्रेनम,
और जो ग्रेना का पूरा बंच होता है ये क्या कहलाता है, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड कहलाता है। और जो ग्रेनम होते हैं इनके अपर पार्ट्स पर इस तरीके से फाइबर लाइक संरचना में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो कि क्या करता है, रेगुलेशन में हेल्प करता है और फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े स्पॉटेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो क्या कहलाते हैं, प्लास्टो ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, प्लास्टो ग्लोब्यूल। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, आरएनए का, ठीक, यानी इस तरीके से ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यानी इनका कोई फिक्स नहीं होता है। ये हमारे क्या कहलाए, राइबोसोम्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा टॉपिक था प्लास्टिड वो भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।